सो गाइज वेलकम बैक। एक बार मैं फिर से आपको एक सुबह स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन जर्नी के लिए। अभी तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोड के बीच में खड़े हैं, और हालांकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बट मैं क्या 2-3 दिन में थोड़ा सा ठंड बर्दाश्त कर लिया है ऑलरेडी। बट आप देख सकते कि अंदर एक किनर है और एक हैवी जैकेट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी की कॉन्वॉय पास कर रहे हैं, और अभी हम लोग गुलमर्ग जाने वाले हैं, और जाने से पहले बीच में एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, बोलते हैं हम चाय वाय के लिए थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और इसके बाद हमारा फिर से दोबारा एक बहुत लंबा सफ़र शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे लोग जो है काफ़ी खुश मिजाज है, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि इतने सालों में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया हुआ है, और आगे भी क्या गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्या ये लोग एक्सपेक्टेशन इनकी क्या क्या। गाइज वेलकम बैक। ये आप देख सकते हैं मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, ये गुलमर्ग का जो मेन स्पॉट है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पे हम आए हैं, और इसके बाद अब अंदर नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ से पूरी तरह से ढकी हुई है, और ये करीब करीब मेरे ख्याल से जो नीचे से 100 किलोमीटर के ऊपर ही है राइट नीचे से। और मेरे इस जाने पर और मेरे साथ जो गाइड करने वाले हैं वो इकबाल भाई है, ठीक है। और इस जगह के बारे में एक एक स्पॉट के बारे में विस्तार से बताएंगे, और इसके हिस्ट्री है जो भी है सबके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो बताएंगे अभी जो हम हैं यहाँ पे, तो इस टाइम हम गुलमर्ग में पहुँचे हैं। ये जो है गुलमर्ग का पार्किंग है, ये सारा जहाँ तक ये गाड़ियाँ देख रही हैं, लोग घूम रहे हैं, ये पार्किंग में आता है सर। और ये जो सामने जो मंदिर है, जब जब शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर प्याला तेरे नाम का पिया, पिक्चर यहाँ पे हुई है सर। अच्छा। राजेश खन्ना और मुमताज का। तो जो वो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं आप, हाँ। तो हिमालय रेंज में आता है, अफरवट के नाम से मशहूर है यहाँ गुलमर्ग का। और गुलमर्ग जो है ये वर्ल्ड स्की रिजॉर्ट नंबर 1 माना जाता है सर। तो यहाँ से हम सफर आगे चलना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सावधान है आगे जाने का। जो आप ये देख रहे हैं ये लकड़ी की गाड़ी है, जिसको स्लेज बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं, तो इसे ये पुल करके ले जाते हैं। ये पूरा हाँ। जो भी साइड सीन है गुलमर्ग का, मेन 6 साइड सीन है, वो हाँ। तो घुमा के लाते हैं। अगर कि कोई इसमें नहीं बैठना चाहता है तो उसके लिए ATV रहता है, वो भी आप घूम सकते हैं उसमें भी। अगर उसमें भी आप, वो एक्सपेंसिव है तो उसमें भी नहीं घूम सकते हो, फिर यहाँ का लोकल गाड़ी है जो टैक्सी है, यहाँ का गुलमर्ग का जो लोकल टैक्सी है वो आगे लेके जाता है घुमाने के लिए। ये है यहाँ की हिस्ट्री सर, हिस्ट्री तो बहुत है वो मैं आपको। तो इकबाल भाई आप एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई व्यूअर्स आए, कोई यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो स्लेज है इसका, स्लेज का जो चार्जेस क्या है नॉर्मली? इसका घंटे के हिसाब से चार्जेस है, हाँ। तो घंटे का आपको 500 रुपया पड़ने वाला है। अच्छा, 500 रुपये घंटा है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में आपको 1500 से 1600 तक ये मिल जाएगा, जो पूरा दिन आपके साथ रहेगा। आप कहीं भी जाओ आपको पुल करेगा, आपको जब डाउन में जाते हो आप तो आपको स्लेज राइड देगा, जो फेमस है यहाँ की। और स्की जो है वो दूसरा, वो स्केटिंग होता है वो हाथ में जो पाँव में लगा के करते हैं। और ATV का रेट क्या है? ATV का रेट है 2000 रुपये। तो 2000 में क्या, में एक घंटे है क्या है, कहाँ तक घुमाते हैं? वो फुल राउंड गुलमर्ग का देता है सर, हाँ। उसमें आप, लेकिन इसमें
45 मिनट का राइड मिलता है हमको। अच्छा 45 मिनट में वो घुमाते हैं। मेन जो है मेन स्लेज से घुमा जाता है, या तो यहाँ पे घोड़ा चलता था, तो 10 दिन पहले यहाँ पे घोड़ा बंद हो गया बर्फ के कारण, तो घोड़ा और स्लेज आपको प्रॉपर जगह पे लेके जा सकता है। हाँ, क्योंकि मुझे घोड़ा दिख नहीं रहा है। लेकिन घोड़ा आज बंद है क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया गया है, तो आप मतलब किस टाइप का अगर आप इसका फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो स्केटिंग का क्या रेट है, राफ्टिंग का क्या रेट है, क्या रेट है, और आप पौनी आप ले सकते हैं, तो हर चीज़ का यहाँ पे अलग अलग ये गवर्नमेंट की तरफ से ये चार्ट लगा हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि चार्ट की हिसाब से फॉलो की जाती है, लोग अपने हिसाब से मांगते हैं, जो मेरे को बाहर दिख गया है। अच्छा, अभी सूरज थोड़ा सा निकला हुआ है, तो उसके बाद सूरज की रोशनी में इसका जो नज़ारा है बिल्कुल और ही है, बिल्कुल और भी खूबसूरत होने जा रहा है। हम जितना आगे चलेंगे आप लोगों को बताते जाएंगे, तो तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरे साथ आज पूरा दिन भर देने वाले हैं इकबाल भाई है, जो यहाँ का एक प्रोफेशनल गाइड प्लस जो है एडवाइज़र भी आप बोल सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ध्यान दिया कि मैंने तो बर्फ़ वाली शूज़ ली, लेकिन इन्होंने अपना नॉर्मल शूज़ पहन के चल रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोई ये लोग यहाँ का लोकल है तो इनको शूज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे मेरे साथ जब तक वो रहें। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अभी यहाँ का जो है मुझे तो इतना ठंड नज़र नहीं आ रहा जबकि माइनस में होना चाहिए था। सही में आप लोग भले ही आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, बट यकीन मानिए जब तक यहाँ पे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि भाई इसका असली मज़ा बिल्कुल भी नहीं, तभी आने वाला है जब आप इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करें। है ये गुलमर्ग नहीं था, यहाँ पे पहला महाराजा हरि सिंह के अंदर था। ये महाराजा हरि सिंह जो थे वो कश्मीर के महाराजा थे। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई रोड नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं था। इसको बोलते थे घोड़े मर्ग। घोड़े मर्ग इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि लोग नीचे से जो भी घोड़े होते थे उनको यहाँ पे ला के छोड़ देते थे। अच्छा, तो छोड़ देते थे खुले, वो घास खाते रहते थे यहाँ पे। समर टाइम में यहाँ पे ग्रीनरी इतना होता है, तो उसके लिए ये समर टाइम में घोड़े घास खाते थे। पिशु भी यहाँ पे थे, बस और कुछ चीज नहीं। अच्छा, जब महाराजा हरि सिंह यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत जगह है, तो उसने इसका नाम चेंज किया घोड़े मर्ग से तब्दील करके गुलमर्ग। गुलमर्ग फूल, मर्ग मरे मैदान। ये जो आप देख रहे हैं बर्फ वाला मैदान, अगर आप समर टाइम में यहाँ पे आते हो तो इस पूरे में फूल होंगे और ग्रीनरी होगी, खुद ब खुद उगते हैं। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया गुलमर्ग। अच्छा, गुलमर्ग रखा गया। गुल मरे फूल, मर्ग मरे मैदान, मेडो ऑफ फ्लावर। हाँ, मीडोज ऑफ फ्लावर इसको कहते हैं जी। और हालांकि आप यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम पे आप देख सकते हैं, हम लोग थोड़ी दी ऊपर और ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जितना दूर तक आप देख सकते हैं आपको दिखाई देगा। अभी जैसे इकबाल भाई बता रहे हैं 4 से 4.5 किलोमीटर तक हम ऐसे पैदल जा सकते हैं, उसके आगे जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो लेट सी हम लोग कम से कम वहाँ तक तो जाए। अच्छा, अभी धूप खिला है यहाँ पे, उसके बाद में थोड़ा सा ठंड कम हो गया है। अब धूप की वजह से देखिए यहाँ का नज़ारा कितना एकदम बिल्कुल शाइनिंग हो गया यहाँ पे बर्फ के ऊपर। बट यहाँ का शूज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। क्यों ना हम उस साइड से चले, ना थोड़ा सा सूखा है। आप देखिए एक मिनट के अंदर फिर से बादल से ढक गया।
तो यहाँ पे मौसम का भी तो कुछ पता नहीं चलता होगा ना इकबाल भाई? गुलमर्ग का मौसम और बम्बई का स्पेशल रोड से जाना है, एक साइड से जाना है, दूसरी साइड से आना है। अच्छा जी। ये जो ऑफिस आप देख सकते हैं, ये जो है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग। आगे और चल रहे हैं ना आगे? ये बेसिकली गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है। ठंड की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ये ढका हुआ है और इसी के ऊपर जो है ये क्रिसमस का जो इवेंट है वो मनाए जाएंगे। ये स्केटिंग फील्ड है, यहाँ पे लोग लड़ते गिरते जो है स्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोपवे भी है ना यहाँ पे ना, इसकी मशीन लगी हुई है यहाँ से ऊपर से लोग स्की करके नीचे आते हैं ना। अच्छा, फिर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। हाँ, हम लोग उस साइड से आगे जाएंगे ना। चलने से ठंड काफी कम लगेगा। मौका मिला वो भी कर लेंगे। वो आगे क्या वो भी होटल है क्या? यहाँ से इक्विपमेंट मिलता है ना ये वाला, वो ये नहीं उसकी है। अच्छा निश्चित। अच्छा होटल वो वाला ऊपर वाला। सब एक दूसरे जानते हैं। या देखिए आप स्केटिंग के जो है सिखाते हैं। हाँ हाँ सिखाते हैं, जैसे वो आप देख रहे हैं वो
थोड़ा देर करने के बाद खुद कर सकते हैं। ये रोड आगे कहाँ तक जाती है? ये रोड यहाँ तक जाती है, वहाँ से आगे जाती है, लेकिन आगे जो जो गाड़ी जा रही है वो कहाँ तक जा रही है? आर्मी एरिया है, आर्मी एरिया है, और बूटी पथरा है। हाँ हाँ, यहाँ से नया टूर एक्सप्रेस हुआ है, 7 किलोमीटर है वो। हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी जाती है, वहाँ पे चल के नहीं जाती। अच्छा, क्यों ना फिर अगर अगर रास्ते बंद है तो फिर वहाँ तक जा सकते हैं, वो जो आगे जो बर्फ़ का जो है पैच है, ठीक है, दूर दूर तक यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखेगा सफ़ेद बर्फ़ ही नज़र आ रहा है। किस किस जगह पे जा सकते थे, एक महाराजा हरि सिंह का पैलेस है यहाँ पे, वो भी देखने की जगह है। ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसके बाद। गंडोला है, वो भी गाड़ी से जाया जाता है। अच्छा है। नहीं, गंडोला का तो ऑनलाइन टिकट बनती है ना, वो खत्म ही हो गया, हमने ट्राई कर दी, मिले ही नहीं। नहीं तो जैसे उस जगह पे जा सकते हैं देखने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही है, और स्ट्रॉबेरी वैली है, यहाँ के 6 मेन प्लेस है जो गाड़ी से चलते हैं। 12 है, लेकिन 12 कोई 6 वे में घूम नहीं है। अरे ना अरे ना, यम ड्राइवर जी गोप, यम जी गोप, यम जी गोप, कौन नहीं हो रहे? कौन था वो? आज के देखे था नहीं थे। फेस्टिवल लगता है तो यहीं पे लगता है, ये जो बोर्ड आगे सामने देख। यहाँ देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो बताया गया है, चिल्ड्रन पार्क है, और उसके बाद सेंट मैरी चर्च भी है। ये चिल्ड्रन पार्क है सामने। हाँ हाँ, लेकिन आज इसमें कुछ भी नहीं है, ये समर टाइम में ओपन रहता है। अच्छा, वो सारे बर्फ से ढक गया होगा ना। हाँ, आगे जो ये रोड जा रहा है, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी वैली और बूटा पथरी के लिए जा रहा है, ठीक है, इसमें गाड़ी से जाया जाता है, तो इसलिए वो चिल्ड्रन पार्क जो दिख रहा है वो बंद है। हाँ, तो ये है इसमें फुल फिश रहता है समर टाइम। अच्छा, तो अभी तो ये देखो, ये फिशिंग लेक है, तो यहाँ तक अंदर तक चले हैं ना, ऊपर वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो फिशिंग लेक था
इधर लेक है बट थोड़ा सा आइडिया आपको दूर से दिख जाएगा, सही में लेक है बट वो बर्फ़ से अभी ढका हुआ है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से, तो अभी इस टाइम पे अंदर के लिए अलाउड नहीं है और मेन गेट वहीं पे बंद कर दिया गया है। हो गया स्लेब दे अभी हम लोग लगभग यहाँ पे टॉप पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं टॉप का टॉप जो नीचे का जो ऊपर से नीचे की तरफ जो व्यूज़ है कितना बढ़िया है, कितना शानदार है। और यहाँ पे काफ़ी जो है लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, हालांकि एक्सट्रीम कोल्ड होने के बावजूद भी जिनको सफ़र करना है और जिनको घूमना है वो मानते ही नहीं है और ज़रूर आते हैं। अब हम लोग जाएंगे, आप दूर में एक जो चर्च देख रहे हैं वहाँ तक हमें जाना है। एक खास चीज़ यहाँ पे आप देख सकते, जिस बर्फ़ के ऊपर से हम चल रहे हैं यहाँ पे इतना कोई हार्ड रॉक्स नहीं है, सिर्फ घास टाइप का ही है और उसके ऊपर सिर्फ बर्फ़ का एक परत पड़ी हुई है। एक बार थोड़ी देर के लिए फिर से जो है अंधेरा टाइप का छा गया है, आप देख सकते हो वहाँ पे बादल की वजह से, तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में बादल हटने के बाद और एक बार यहाँ पे सब कुछ साफ दिखेगा, रोशनी नज़र आएगी। यहाँ पे ठंड काफ़ी है,
चलने का नियम ये है, जहाँ पे आपको बर्फ़ बिल्कुल सख्त हो गया है ना, और वहाँ पे पैर नहीं रखना है कि उसमें फिसलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सॉफ्ट स्नो है उसके ऊपर मैं अपना कदम रख के आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है। ये देखिए, देखिए ये जो पहाड़ है एकदम पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो चुका है। ये चर्च मुझे दूर से दिख रहा है कि क्रिसमस के लिए, इसके त्यौहार के लिए बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड भी देख सकते हैं।
ये जो चर्च है इसके इसका ये बैक साइड है। तो हमने आपको एक राउंड लगा के दिखा दिया है। और ये चर्च से जो जो व्यूज़ है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। लोग यहाँ से कितना दूर दूर तक जाते हैं देखिए। आप अभी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो लगभग हम पूरी एरिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी देनी थी मैं सबको दे चुका हूं। और मुझे उम्मीद ये भी है कि मेरी वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसके बाद में देखते हैं और एक लोकेशन सिलेक्टेड लोकेशंस हैं जहाँ पे जाने वाले हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर, आई कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।